Good morning, student. I am Gopikumar Swastha from Isl Sudamdih. This is my fifth video of chapter number 6, civics, understanding the criminal justice system. In this video, I am discussing about the topic, the articles of 22 constitution and the criminal law guarantee. Okay, this jo video mein discuss karne wala hu ki article 22 constitution ke antargat kya likha hua hai, ki agar maan lijiye koi munjim को या कोई क्राइम करता है तो उसको किस प्रकार से क्या स्टेप होगा उसको कोर्ट तक पेश करने का, मतलब क्राइम से लेकर कोर्ट तक जो पेश करने का जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए अगर कोई क्राइम करता है तो उसके साथ किस तरह का बिहेवियर होगा या किस तरह का स्टेप उठाया जाएगा कोर्ट के द्वारा या पुलिस के द्वारा, वो सारी बातों को हम लोग डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। मान लीजिए कोई भी क्राइम करता है तो क्या प्रोसेस है उसको पकड़ने का, ठीक है। सो लेट अंडरस्टैंड द Article 22 of the Constitution and the criminal law guarantee every arrested person the following right. मतलब जो भी अगर कोई arrest होता है तो उसको arrest करने का कुछ right है कि किस तरह से उसको जो fundamental right है या क्या guarantee लिखा है Article 22, उसके बारे में हम discuss करेंगे। कि मतलब यहाँ पे ये बताना चाहता है कि अगर कोई arrest होता है तो Article 22 उसका किन बातों का किन क्या क्या right देता है उसको, अगर कोई arrest हो गया तो किस crime में। The right to be enforced इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, जैसे उसको अरेस्ट करने वाला है उससे पहले आपको उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर कोई क्राइम करता है आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं तो पहले उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा पुलिस को, तब उसको अरेस्ट कर सकता है। ऑफ द ऑफेंस, अगर अपराध होता है और उसको मतलब कि अरेस्ट करने से पहले उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड, जो इंसान अरेस्ट होने वाला है उसको इन्फॉर्म किए बिना या उसके परिवार को इन्फॉर्म किए हुए आप उसको अरेस्ट कर नहीं सकते हैं। आपको उनको परिवार को उसको सबको मतलब कि यहाँ पे बताया जाएगा कि हाँ गिरफ्तार से पहले आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि हाँ कि आप अरेस्ट होने वाले हैं, या उनके परिवार को बताया जाएगा। अगर आप किसी को अरेस्ट कर लेते हैं उसके परिवार को बताया जाएगा कि हाँ इन्होंने अपराध किया इसलिए मैं इसके अरेस्ट करके ले जा रहा हूँ, ठीक है। और भी बातें हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के पास ले जाने से पहले है ना, विदिन द 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। यहाँ कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाया जाएगा या लाया जाएगा कोर्ट, मतलब कोर्ट तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग द अरेस्ट और कस्टडी, अगर पुलिस की कस्टडी में जब तक भी वो एक्यूज रहे, जब तक वो मुजरिम रहे उसके साथ कोई टॉर्चर ना किया जाए, ये उसका राइट है कि उसके साथ कोई भी पुलिस टॉर्चर ना करे या उसको मारे नहीं पीटे नहीं, ये आर्टिकल 22 उसका गारंटी लेता है, ठीक है। और कन्फेशन मेड इन द पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट इन द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड मतलब यहाँ मुलजिम होता है। अगर मुलजिम कोई भी पुलिस थाने में या किसी थाने में या पुलिस स्टेशन में किसी तरह का वो गवाही दे देता है कि हाँ मैंने ये किया है, तो वो जो एविडेंस है वो प्रूफ नहीं माना जाएगा, वो एविडेंस नहीं माना जाएगा कोर्ट में। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है जबरदस्ती पुलिस या पुलिस के जो लोग होते हैं वो जो मुलजिम होते हैं उनसे गवाही दिला देता है, उसको एविडेंस बनाकर कोर्ट में पेश कर देता है। तो यहाँ पे कोर्ट बोलता है कि नहीं, हम उन बातों को नहीं मानेंगे, हम एविडेंस पुलिस का जो एविडेंस है उसको नहीं देख सकते हैं, मतलब पुलिस के यहाँ जो मुलजिम ने गवाही दिया है उसे हम नहीं मानते हैं, हमें एविडेंस चाहिए, हमें सारा विटनेस चाहिए। वो सारा ट्रायल को सुनता है, फेयर ट्रायल करता है कोर्ट, उसके बाद डिसीजन लेता है। तो मतलब कोई भी अगर व्यक्ति अरेस्ट होता है तो उसके लिए ये स्टेप है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए, उसके परिवार को इन्फॉर्म किया जाए, उसे 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाया जाता है, ले जाया जाता है। और अगर पुलिस कस्टडी में है तो उससे अरेस्ट के समय टॉर्चर या मारपीट या उसे मारा नहीं जाता है। और यहाँ कहा गया कि अगर कोई वो कन्फेशन देता है या कोई गवाही देता है या उस बातों को मान जाता है कि हाँ मैंने ये किया है, ये जबरदस्ती पुलिस का जो प्रेशर के अनुसार, तो उसको एविडेंस नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये 22 का आर्टिकल है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मस्ट राइट दिस। सो थैंक यू, मस्ट राइट एंड मस्ट लर्न ऑल द टॉपिक, रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, रोल ऑफ पुलिस, रोल ऑफ जज एंड फेयर ट्रायल, दिस ऑल द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दिस चैप्टर। एंड दिस चैप्टर आपको ये जो चैप्टर है ये बहुत ही नॉलेज दे सकता है कोर्ट के बारे में, पुलिस के बारे में और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, लॉयर के बारे में। तो हर एक का यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ये जुडिशियल सिस्टम का सेकेंड पार्ट मान सकते हैं आप इसको, इस चैप्टर को, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो थैंक यू, मस्ट राइट दिस, थैंक यू।